नमस्कार, जय हिंद, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हो कि बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम वनडे सीरीज जीते तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, पहले वनडे मुकाबले में भारत को बांग्लादेश के खिलाफ मिली एक विकेट से हार, तो ये देख खुशी से झूम उठी सानिया मिर्जा ने टीम इंडिया के लिए जहर उगलते हुए जो कहा वो सुनकर पूरा भारत देश आग बबूला हो गया। तो दोस्तों, आखिर क्या बोली सानिया मिर्जा वो सब आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से कौन सी टीम सबसे मजबूत है? अपनी कीमती राय हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए, अब आपका ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच जब भी वनडे श्रृंखला खेली जाती है, तब तब हमने देखा है कि बांग्लादेश जैसी कमजोर टीमें भी टीम इंडिया पर भारी पड़ जाती हैं। और दोस्तों, अब पहला वनडे मुकाबला जब खेला गया, तो इस मुकाबले में भी बांग्लादेश की टीम ने एक बार फिर से बता दिया कि आखिरकार वनडे में कौन बेहतर है। दरअसल दोस्तों, भारतीय टीम ने यहां पहले बल्लेबाजी करते हुए 41.2 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 186 रन बनाए थे। हालांकि बांग्लादेश की टीम को 187 रनों का लक्ष्य मिला था और बांग्लादेश की टीम इस मुकाबले को मेहदी हसन की 38 रनों की पारी के दम पर जीत पाई। और दोस्तों, इस मुकाबले में जहां भारत की तरफ से केएल राहुल ने सबसे ज्यादा 73 रन बनाए थे, तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश की टीम तो लगभग इस मैच को हार चुकी थी, लेकिन अंत में एक चमत्कार के चलते वो इस मुकाबले को जीत गई। और या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि बांग्लादेश की किस्मत अच्छी थी, जो कि केएल राहुल मेहदी हसन का कैच छोड़ देते हैं। अगर वो कैच लिया जाता तो शायद टीम इंडिया आसानी से आज विजेता हो जाती और 1-0 से सीरीज में आगे भी। लेकिन दोस्तों, खैर जो भी है, अब आप सभी को तो पता ही है कि जब भी भारतीय टीम हारती है तो देश दुनिया भर में काफी ज्यादा चर्चा टीम इंडिया की होने लगती है, और हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इसमें पीछे नहीं रहता। और इस बार भी भारतीय टीम जीते या फिर हारे, उसको जरूर फर्क पड़ता है। और अब भारत की ऐसी हार देखने के बाद भारतीय मूल की निवासी सानिया मिर्जा का बड़ा बयान भारतीय टीम की हार पर निकल कर आया। दरअसल दोस्तों, यहां पर सानिया मिर्जा ने भारतीय टीम का खूब जमकर मजाक उड़ाया और बांग्लादेश की टीम को अच्छा बताते हुए ऐसा कह दिया कि सुनकर पूरा भारत देश आग बबूला हो गया। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार सानिया मिर्जा भारतीय क्रिकेट टीम पर बात करते हुए कहती हैं कि चलो आखिरकार भारत को पता तो चला कि वनडे क्रिकेट में वो कहां स्टैंड करती है। बांग्लादेश जैसी छोटी टीमों से आप हार के पूरी दुनिया में अपना डंका बजाते फिरते हैं कि आपसे मजबूत टीम कोई नहीं है। अब बांग्लादेश की टीम ने भारत को बता दिया कि आखिरकार उनकी सरजमी पर आकर उनको हराना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ये वनडे श्रृंखला टीम इंडिया के लिए अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि पहले वनडे मुकाबले में जिस तरह से बांग्लादेश ने मैच जीता वो सराहनीय है। आखिरकार भारत के वो दिग्गज खिलाड़ी कहां गए जो कि हमेशा अपनी बल्लेबाजी का ढिंडोरा पूरी दुनिया में पीटते हैं? रोहित क्यों नहीं बांग्लादेश के खिलाफ शतक लगा पाया? शिखर धवन और विराट कोहली क्यों बांग्लादेश जैसी कमजोर टीम के सामने घुटने टेकते हुए नजर आए? आखिरकार भारत के वो बयान कहां गए जब वो बांग्लादेश में उतरने से पहले कह रहे थे कि हाँ, उनको 3-0 से सीरीज में हराएंगे। बीसीसीआई और भारतीय टीम हमेशा पैसे देकर ही मैच जीतना जानते हैं, और बांग्लादेश की टीम ने लग रहा है कि इस बार पैसे लेने से मना कर दिया। और भारत को अब पता चलेगा कि मैच मेहनत कर कैसे जीता जाता है। टीम इंडिया सबसे कमजोर टीम पूरे विश्व की है, क्योंकि ये टीम जितना पैसा कमाती है उतना खेल नहीं दिखाती। कैच देख लो केएल राहुल ने जो छोड़ा, तो वही गेंदबाजी देख लो भारत की, जहां वो शुरुआत में तो ऐसा प्रदर्शन कर रहे थे कि मानो ये मुकाबला भारत के सिवा कोई जीतेगा ही नहीं। लेकिन अब मुकाबला वो हारे भी और वनडे सीरीज में 1-0 से पीछे भी हो गए। तो वहीं दोस्तों, सानिया मिर्जा ने तो अपनी बातें रख दी, और ये सब बातें सुनने के बाद हार्दिक पांड्या का भी खून खोल गया। और यहाँ पर मुंह तोड़ करारा जवाब देते हुए हार्दिक पांड्या ने कहा कि हम हारे या जीते या हमारा अपना खुद का मामला है, हम अपनी टीम में सुधार करेंगे। और जो पैसे देने की बात सानिया मिर्जा कर रही है, हम पाकिस्तान से कोई पैसा देकर नहीं जीते। अगर पाकिस्तान के खिलाफ भी हम वर्ल्ड कप में जीते थे, तो तेरे गरीब पाकिस्तान ने भी हमसे पैसे लेकर ही मैच खुद जानबूझकर हारा होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हार्दिक पांड्या का ये जवाब सुनकर सानिया मिर्जा की बोलती बंद हो गई। बाकी अब आप सभी क्या मानते हो कि हार्दिक पांड्या ने जो कहा वो बिल्कुल सही है या फिर गलत? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।